दो दिन से महाराष्ट्र के कई शहरों में हिंसा की आग भड़की हुई है। शुक्रवार को रजा एकेडमी ने बंद बुलाया तो महाराष्ट्र के चार शहरों में जमकर बवाल हुआ, और शनिवार को जब वीएचपी और बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने बंद बुलाया तो अमरावती और मालेगांव में जमकर हंगामा हुआ, तोड़फोड़ भी हुई और हिंसा भी हुई, जिसके बाद अमरावती में तीन दिन के लिए कर्फ्यू लगा है। अफवाह ना फैले इसके लिए अमरावती में इंटरनेट सर्विस को तीन दिन के लिए बंद कर दिया गया है। मालेगांव में भी कल जमकर हिंसा हुई है, जिसके बाद प्रशासन ने जिले में सुरक्षा सख्त कर दी है। अब तक 18 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी की मदद ली जा रही है। बीजेपी और वीएचपी ने महाराष्ट्र में हिंसा के लिए रजा एकेडमी और इससे जुड़े तमाम लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। आज महाराष्ट्र में कोई बवाल ना हो इसके लिए अमरावती, मालेगांव और नांदेड़ में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। कल अमरावती में एक बार फिर से बवाल हुआ, जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई गई और पुलिस पर भी पथराव हुआ, लिहाजा कल शाम में कई शहरों में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। कहीं पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है, कहीं प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। उधर हिंसा के बाद अब रजा एकेडमी पर बैंड लगाने की मांग उठी है। बीजेपी और वीएचपी के बाद अब शिवसेना ने भी कहा है कि हिंसा के लिए रजा एकेडमी जिम्मेदार है। शुक्रवार को महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में जो एक्शन हुआ है उसका रिएक्शन शनिवार को अमरावती में नजर आया। लगातार दूसरे दिन अमरावती में हालात तनाव भरे हुए हैं, जगह जगह पर हिंसा के सबूत मौजूद हैं, लिहाजा महाराष्ट्र पुलिस ने हिंसा को रोकने के लिए कई शहरों में अब पुलिस तैनात की है बड़ी तादाद में। महाराष्ट्र के अमरावती में चार दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है और तीन दिनों के लिए अमरावती में इंटरनेट सेवा बंद है। अमरावती में एसआरपीएफ की दो बटालियन को भेजा गया है, क्यूआरटी को बुलाना, अयतवाल, यवतमाल, वर्धा और वासिम भेजा गया है। मालेगांव हिंसा मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 20 एफआईआर दर्ज की गई है। सीसीटीवी के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। शुक्रवार को हिंसा में 18 पुलिस वाले घायल हुए थे। पिछले 24 घंटे में पूरे महाराष्ट्र में हाई अलर्ट है। जो कुछ शुक्रवार को महाराष्ट्र के नांदेड़, मालेगांव, अमरावती और वासिम में हुआ उसने महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया है। बीजेपी का कहना है कि महाराष्ट्र में हुई हिंसा कोई संयोग नहीं है बल्कि यह सोची समझी स्कीम है। अमरावती के विधायक है रवि राणा का कहना है कि हिंसा के बावजूद ना पुलिस नजर आ रही है और ना सरकार। स्थिति बहुत गंभीर है क्योंकि यहाँ पे मंदिरों की तोड़फोड़ हुई है, घर के दरवाजे तोड़े गए हैं, और मुझे सबसे गंभीर बात है कि महाराष्ट्र के अंदर कायदा सुव्यवस्था है कि नहीं। यहाँ पे बंदूकें निकाली जा रही है, तलवारें निकाली जा रही है। बार बार गृह मंत्री राज्य के दिलीप वर्षे पाटिल उनसे मैंने बात किया, सीपी से बात किया, डीजी से बात किया, आखिरी में अभी अमित शाह जी जो है केंद्रीय गृह मंत्री उनसे हमने गुहार मांगी है, हमारे अमरावती में शांतता के लिए फोर्स भेजिए, यहाँ का बचाव करिए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से महिलाओं के साथ भी छेड़छाड़ हो रही है और बड़ी तनाव के अंदर ये वातावरण है, और इस वातावरण को शांत करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे नेता अमित शाह जी से बात हुई, मेरी अमित शाह जी से बात हुई है, मैंने पूरा उनको यहाँ का ब्यौरा दिया है, यहाँ की पूरी माहिती दी है, और उनको कहा है महाराष्ट्र के अंदर कहीं ना कहीं पुलिस कम गिर रही है, गृह मंत्री कम गिर रहे हैं, तो यहाँ पे केंद्र की मदद हमको जरूरत है। उधर रजा एकेडमी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, तोड़फोड़ आगजनी के जिम्मेदार बताया जा रहा है इसे। अब तक बीजेपी रजा एकेडमी पर बैन लगाने की मांग कर रही थी, अब शिवसेना के अंदर भी इस बैन की आवाज उठने लगी है, जबकि रजा एकेडमी का कहना है कि अल्लाह के लिए अगर बैन भी लग जाए तो मंजूर है। देखिए आप सोशल मीडिया पे लगातार मुंबई बंद तो आज भी ये बोलेंगे और अभी आपके सामने बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, एक मुंबई बंद, औरंगाबाद, बुल्ढाना बंद, लगातार ऐसे पोस्ट क्या है? बंद करने में क्या कौन सी चीज है इसके अंदर है? कौन सी चीज ऐसी है कि जो गैर कानूनी बंद है? बोला बंद बोल रहे हैं, आज बोल रहे हैं। तरह का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की गई कि तमाम लोग जो है किया गया है कि हुजूर के नाम पर लोग अपनी जाने कुर्बान करने का जज्बा पैदा हो। मतलब आप एडमिट कर रहे हैं कि आप करते हैं कि रसूलुल्लाह के नाम पर मुसलमानों को एक जा होना चाहिए, एक तरफ होना चाहिए, अपनी जान की परवाह नहीं करना चाहिए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो अमन चाहते प्यार से रहते उनकी दुकानों पर जाकर हमला करना तो उसका मतलब क्या होता है? रजा एकेडमी और बैन की मांग करती है तो वो रजा एकेडमी गलत काम करी तो बैन होगा ही, मांग क्या करने की जरूरत है? यहाँ अच्छे प्रशासक बैठे हुए हैं, शासक भी अच्छी तरह से बैठे। और हिंसा थमने के बाद मालेगांव पुलिस अब सीसीटीवी खंगाल रही है, कई सीसीटीवी वीडियो इंडिया टीवी के पास भी है, और इन वीडियो में आप देख सकते हैं कि जिस रास्ते या फिर जिस बाजार के सामने से उपद्रवी गुजर रहे थे वहां पत्थरबाजी कर रहे हैं, वहां तोड़फोड़ मचा रहे हैं, सड़कों पर एक भी पुलिस आपको नजर नहीं आएगी। और अब तक जैसे इन उपद्रवियों ने
चाहा उसी तरह से तोड़फोड़ आगजनी की। अब आपको त्रिपुरा के गोमती जिले की उस मस्जिद की तस्वीर दिखाते हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहां तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है, उसे गिराने की कोशिश हुई है। त्रिपुरा पुलिस लगातार बोल रही है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है और उस पर ध्यान ना दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र में रजा एकेडमी वालों ने बंद बुलाया और बंद के नाम पर हिंसा और बवाल किया। कल त्रिपुरा के सीएम ने भी महाराष्ट्र के लोगों से कहा है कि अफवाह पर ध्यान ना दें, त्रिपुरा में सिर्फ और सिर्फ शांति है। तो एक दो तीन तक शहर है, दो तीन शहर में महाराष्ट्र में कल पत्थरबाजी हुआ त्रिपुरा का नाम में, और कुछ टंगा हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए त्रिपुरा वासी के लिए बहुत ये शर्म का बात है कि हमारा जो सांस्कृतिक विरासत है वो समन्वय का है। हिंदू मुस्लिम बौद्ध क्रिश्चियन हम लोग बहुत दिन से एक साथ चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं। दंगा का कोई हिस्ट्री नहीं है त्रिपुरा में, ये हमारा त्रिपुरा का इतिहास का गरिमा है। कुछ आदमी लोग कुछ आके इसको नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नैरो राजनीति के लिए फेक पिक्चर्स फेक न्यूज जो दूसरे देश के है वो दिखा रहा है कि त्रिपुरा में ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।